भोपाल में पुलिस ने झूठी कहानी बनाकर लूट की फर्जी घटना का पर्दाफाश करते हुए बताया कि फरियादी ने लोगों से उधार लिया हुआ था और पैसा ना देना पड़े इसलिए उसने लूट की झूठी कहानी बनाई थी। भोपाल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कौशल ने बताया कि 21 जुलाई को फरियादी परमानंद मीणा ने रिपोर्ट लिखवाई कि एक कार चालक और उसके दो साथियों ने उसके साथ 1,05,000 रुपए की लूट की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। फरियादी से पूछताछ के दौरान फरियादी ने जो समय बताया था उसमें भिन्नता नजर आई। इसके साथ ही फरियादी द्वारा बनाई गई झूठी लूट की कहानी में भी कई गड़बड़ियां सामने आई। पुलिस ने बताया कि फरियादी ने पैतृक गांव निपानिया चेतन में जमीन जय नारायण मीणा को रजिस्ट्री करवाई थी और जमीन के बयाने में 1,25,000 रुपए प्राप्त किए थे। वहीं जब फरियादी और फरियादी के लड़के रामबाबू से अलग अलग पूछताछ की गई तो दोनों के ही मनगढ़ंत कहानी बनाकर रुपए लूटने की झूठी कहानी सामने आ गई। बताया जा रहा है कि फरियादी परमानंद बिल्डिंग का काम करता है, लेकिन पारिवारिक खर्च पूरा ना होने के कारण फरियादी परमानंद के ऊपर से 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया है। इसीलिए फरियादी परमानंद ने अपने लड़के के साथ मिलकर एक लूट की मनगढ़ंत कहानी बनाई जिससे कर्ज मांगने वाले कुछ दिन के लिए शांत हो जाए। फरियादी है, वह एक मकान उसकी जो जगह थी उसकी रजिस्ट्री कराने गया था और जिनसे रजिस्ट्री कराई चूंकि उसके ऊपर काफी कर्जा था तो एक कर्जा वाले वहीं आ गए थे जहाँ रजिस्ट्री कराई थी तो उसको वहाँ पैसा भी दिया 40,000 में से 20,000 रुपये। उसके बाद और भी कर्जा था तो उसको ये लग रहा था कि ऐसा नहीं कि जो मैं हमारे पास 1,05,000 रुपये बचे वो भी तुरंत चले जाए, तो उसने एक और उसके लिए उसने एक पूरा प्लान बनाया और फिर वो अपने घर आके घर आने के बाद बाप बेटे घर आ गए। उसके बाद जो फरियादी है वो अकेला शमसाबाद थाने गया, उसने वहाँ पे पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ। फिर उसके बाद यहाँ के TI साहब के पास उनका फोन आया और यहाँ फरियादी आया तो फिर पूरी चीजें उसकी वेरीफाई हुई तो ज्ञात हुआ कि वो टोटल फर्जी प्लानिंग के साथ कहानी के साथ आया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।